में गरीबों का निवाला छीनने वाला राशन माफिया भरत दवे का एक और कारनामा जांच में उजागर हुआ है। राशन के साथ साथ इसकी नजर मोती तबेला में श्री अंगद हनुमान की जमीन पर भी पड़ गई थी। यहाँ पर इसने मंदिर की जमीन को कब्जे में लेकर अपना ऑफिस खड़ा कर लिया था। राशन घोटाले के खुलासे के बाद जांच में मंदिर की जमीन कब्जे की बात सामने आने पर बुधवार दोपहर प्रशासन ने पुलिस और निगम के साथ मिलकर ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। टीम ने ऑफिस को धराशायी करने के पहले लैपटॉप कंप्यूटर सहित सारा माल जब्त कर लिया और जमीन को मंदिर को वापस सौंप दिया। उधर भरत श्याम दवे और प्रमोद दहीगुड़े पर रासुका की कार्यवाही तो की गई है। प्रभारी फूड कंट्रोलर मीणा पर 10 थानों में केस दर्ज कराया गया है। मामले की जांच SIT को सौंप दी गई है। बता दें, राशन माफिया भरत के अवैध बने ऑफिस पर बुधवार को निगम का बुलडोजर चला। जब टीम इस दुकान को हटाने पहुंची तो दवे से जुड़े कुछ लोग वकील को लेकर पहुंच गए। यहां पर परिचित ने कार्यवाही का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। इसके बाद निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने मोर्चा संभाला और उसे मौके से हटाया। इसके बाद पुलिस उसे दूर तक छोड़ कर आई और राशन माफिया दवे के अवैध बने ऑफिस को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि कलेक्टर ने इस घोटाले में भरत दवे, उनके रिश्तेदार श्याम दवे और प्रमोद दहीगुड़े तीनों पर रासुका लगाई है। साथ ही फूड कंट्रोलर मीणा के साथ ही विविध संस्थाओं के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों को मिलाकर कुल 31 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। इसमें दवे के परिवार के ही कई लोग शामिल हैं। कलेक्टर ने साफ किया है कि घोटाले की जांच पुलिस और प्रशासन करेगा और इसमें जिस जिस की गंभीर लापरवाही सामने आएगी उन पर रासुका जैसी कार्रवाई होगी। इन सभी की संपत्तियों की भी जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि दवे के परिवार में करीब 20 लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं और जिले में उनके प्रभाव वाली 120 दुकानें हैं। माना जा रहा है कि जिले में घोटाला 20 लाख किलो से ज्यादा का और 7 करोड़ रुपए का हो सकता है। अरे ले लेना, सर बताएं आज जो कार्रवाई की, सर बताएं आज जो कार्रवाई की गई है किसके वहाँ की गई? अभी आपने देखा होगा कलेक्टर महोदय के निर्देशन में राशन माफिया के खिलाफ 10 FIR की गई है। उनमें जो भी व्यक्ति शामिल है उनकी परिसंपत्तियों की जाँच की जा रही है। कहीं भी अवैधानिक निर्माण या अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसको हटाया जाएगा। आज आप ये देख रहे हैं कि भरत दवे के द्वारा ये प्राचीन अंगद महादेव हनुमान मंदिर है, इसकी भूमि पर अवैधानिक निर्माण किया गया था। आज हमने इसको डिमोलिशन की कार्रवाई की है और यहाँ पर दस्तावेजों का एक जखीरा मिला है। इसके अलावा 2 कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और 1 DVR भी जब्त किया गया है। अहम दस्तावेज जो प्राप्त हुए हैं उन दस्तावेजों की भी बारीकी से गहन छानबीन की जाएगी और यदि उन दस्तावेजों से कोई भी सुराग मिलते हैं, अवैधानिक कृत्य पाया जाता है, तो उसमें भी आगामी समय में कड़ी से कड़ी कार्रवाई संपादित की जाएगी। सर और किसी और कई जगहों पे की गई? निश्चित रूप से अभी हम जो परिसंपत्तियां हैं उनकी जांच कर रहे हैं और जांच में यदि कोई भी अवैधानिकता, अवैध निर्माण या अवैध कब्जा पाया जाएगा उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी हमने जैसा बताया कि हमको ये देखने की ज़रूरत रहती है कि कोई भी यदि अवैधानिक कृत्य होगा उसी के संबंध में हम कार्रवाई करेंगे।